हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको डीप गला होगा तो शोल्डर कितना लेना चाहिए, जब हमारे ब्लाउज़ का डीप गला होता है तो हमारा शोल्डर जो है वो कितना लेना चाहिए और कितना रखना चाहिए, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो आप पूरा देख लो ताकि आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारे शोल्डर जो है वो कितने रखने हैं डीप गले के लिए। अब जब हम डिप गला बनाते हैं, डिप गला जब हम बनाते हैं 10 इंच का, 11 इंच का, 12 इंच का या पूरा पैटर्न वाला गला जब हम बनाते हैं, तब आपको शोल्डर क्या करना है। जैसे नॉर्मल शोल्डर होगा, नॉर्मल शोल्डर हम कैसे नापते हैं, ये जो स्लीव्स की शुरुआत होती है, यहाँ पे हमने स्लीव ज्वाइन किया है, यहाँ से यहाँ तक हमें स्लीव जो शोल्डर है यहाँ तक नापना है। जितना हमारा शोल्डर आता है उसमें आपको हाफ करना है, उसमें कुछ आधा इंच बढ़ाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको क्या करना है, जितना हमारा आता है 11 इंच होगा तो 5.5 इंच रखना है, 12 इंच होगा तो 6 इंच रखना है, जो भी आपका शोल्डर होगा उसका हाफ आपको लेना है। तो उसके बाद जैसे नॉर्मल गले के लिए हम इस तरह से रखते हैं, लेकिन जब हम डीप गला बनाते हैं तब आपको क्या करना पड़ता है, जितना हमारा शोल्डर आता है उससे क्या करना पड़ता है, आधा इंच के शोल्डर को घटाना पड़ता है, यानी कि आधा इंच शोल्डर हमें कम लेना है। जैसे 11 इंच शोल्डर है तो हम क्या करेंगे, गला डीप है हमारा, गला बैक साइड में देखना पड़ेगा, डीप गला है या छोटा गला है या मीडियम साइज़ का गला है। आपका गला डीप होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 11 इंच शोल्डर होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2.25 इंच पे गले की चौड़ाई रखनी है। जैसे 11 इंच शोल्डर है तो उसका हाफ आता है 5.5 इंच, लेकिन आपको 5 इंच पे ही मार्किंग करनी पड़ेगी। शोल्डर का जो मार्किंग है वो आपको 5 इंच पे करना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा, आपकी गले की चौड़ाई जो है वो भी परफेक्ट बैठेगी। जैसे 2.25 इंच हम गला रखते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, 2.5 इंच का गला तैयार हो जाता है। छोटा नाप होगा तो आप 2 इंच गला रखेंगे तो भी चल जाता है, यानी कि 2.25 इंच का गला तैयार हो जाएगा। और डीप गला होगा तो आपके शोल्डर भी नहीं उतरेंगे, आपकी गले की फिटिंग भी एकदम परफेक्ट आएगी। और कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे हम गला बनाते हैं, डीप गला होता है, शोल्डर हमारे परफेक्ट आने पर, जैसे बहुत ही पतली लेडीज़ होगी तो भी हमारे शोल्डर हल्के से गिर जाते हैं, तो डीप गले के ऊपर आपको डोरी जो है वो लगानी पड़ती है। इससे क्या हो जाता है, इसका बैलेंस बना रहता है, इससे जो गला है बैक साइड का उसकी फिटिंग भी अच्छी आती है। इसमें आप शोल्डर में यहाँ पे आप डोरी लगाओगे तो ये इसकी फिटिंग भी एकदम परफेक्ट आती है। तो आपको क्या करना पड़ता है, इसका ध्यान देना है, जब आपका गला डीप होगा तो शोल्डर को देखना है, जितना नॉर्मल शोल्डर होगा, जितना आपका शोल्डर आता है ब्लाउज के ऊपर उसमें आपको क्या करना है, 1/2 इंच को घटाना है। इस तरीके से आप करोगे तो आपका डीप गला जो है वो नहीं गिरेगा। उसके बाद जैसे हम पैच वाला गला बनाते हैं, तो पैच वाला गला बनाएंगे तभी आपको वैसे ही करना है, गले की चौड़ाई कम रखनी है, उसके साथ साथ शोल्डर को घटाना है 1/2 इंच। उसके बाद जैसे हम छोटा गला बनाते हैं तो जितना हमारा शोल्डर आता है उतना आपको लेना है। मीडियम साइज़ का गला होगा तभी आपको क्या करना है, जितना आपका शोल्डर आता है उतना ही आपको रखना है। सिर्फ आपको क्या करना है, डीप गला होगा तो शोल्डर जितना आता है उसमें आपको 1/2 इंच घटाना है। इससे क्या हो जाएगा, गला जो है वो आपका परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया है कि डीप गले गला गले पर शोल्डर जो है वो कितना रखना है और कैसे लेना है। जैसे यहाँ पे हम नॉर्मल जो शोल्डर है वो नापते हैं, जब भी आप शोल्डर नापोगे गला आपको एकदम परफेक्ट, जैसे ब्लाउज़ के हुक पहले लगाने हैं, एकदम राउंड शेप में गला आपको रखना है और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक शोल्डर जो है वो नापना है। और आपको जब भी शोल्डर नापोगे उसके बाद आपको क्या करना है, बैक साइड का गला जो है वो देखना है। बैक साइड का गला आप देखोगे तभी आपको पता चल जाएगा डीप गला है हमारा, तो आपको शोल्डर को 1/2 इंच घटाना है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको इसके बारे में, डीप गले के बारे में और शोल्डर कितना रखना चाहिए ये मैंने आपको समझाया है। तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।